सबने मिलके हम लोगों ने योगदान दिया। कैसे हो भैया जी आप, एक कहानी सुनोगे? हाँ, वही मेर घाट की, जहाँ अभी हम दिवाली मनाने के लिए जाने वाले हैं। इससे पहले कि मेर घाट की खूबसूरत वादियों में आप लोग खो जाएं, कुछ बातें मैं आपको बताना चाहूंगा। इस कहानी की शुरुआत होती है एक व्हाट्सएप मैसेज से, जिसमें लिखा था इस बार की दिवाली मेर घाट में। ये थोड़ा सा मजेदार था, हमने इसके बारे में जानकारी निकाली और हमें पता चला एक नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन की, वंदे मातरम फाउंडेशन। इस फाउंडेशन का नाम जितना मजेदार है, इसमें काम करने वाले लोग उससे कहीं ज्यादा मजेदार है। फिर चाहे वो संजू भाई हो, अमित भाई हो, शैलेश भाई हो या युवराज भाई हो, इनके पूरे टीम के बारे में जितना तारीफ किया जाए बहुत कम है। हमारे घरों में अक्सर ऐसे बहुत सी चीज़ें होती हैं जो हमारे रेगुलर यूज़ में नहीं होती है। फिर चाहे वो पुराने कपड़े हो, चप्पल हो, कंबल हो, कुछ भी। तो हमें करना ये था कि इन सारी चीज़ों को इकट्ठा करना था और ऐसे लोगों तक पहुंचाना था जिनको इसकी सही में ज़रूरत हो। और हमने ऐसा ही किया, हमने जितना नहीं सोचा था उससे कहीं ज़्यादा कारंजा के लोगों ने हमें सपोर्ट किया। हालत तो ऐसी हो गई थी कि हमने कॉलेज के स्टूडेंट्स वो मेरे घाट में जो आदिवासी लोग हैं उनके लिए ड्रेसेस वगैरह इकट्ठा कर रहे थे, तो हमें भी ये प्रोजेक्ट अच्छा लगा। तो संवेदना युवा मंच की ओर से हमने कारंजा में जो भी शॉप वगैरह वाले थे उनसे हमने बात की, गाँव में भी चर्चा की हमने, और हमारे पास में बहुत सारे ड्रेसेस जमा हो गए जो नए कंडीशन में हो रहे हैं। इधर भी है, पीछे में भी है, बहुत सारे ड्रेसेस वगैरह। तो हमने अभी गांव में तो बहुत सारे लोग अभी भी दे रहे हैं, लेकिन हमने सोचा कि अभी बहुत से हमें कॉल भी आ रहे हैं, वर्धा से कॉल आ रहे हैं हमें, आरवी आष्टी तलेगांव वगैरह से कॉल आ रहे हैं, तो दिन भी कम है, तो अभी हम उसके लिए निकल रहे हैं कि जो हमारे गाँव के बाहर के जो गाँव है वो हम कवर कर सकें। लड़के सभी बाहर आ चुके हैं, मिलते हैं आपसे बाहर में। कुछ कहना चाहेंगे? बस चलो, अभी तेरे को नहीं बोल रहा, तू साइड हो। कुछ कहना स्पेशल थैंक्स बोलना चाहूँगा ओम साई मेंस वेयर और विरल जनरल स्टोर को, जिन्होंने कारंजा से हमें बल्क में बहुत सारी चीज़ें देके बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया और हमारा मनोबल भी बढ़ाया। स्वागत एम्पोरियम आष्टी सहित से, हमें बहुत सारा सामान मिला है, अभी हम कंफ्यूज है कि इसको लेके कैसे जाना है। थैंक्स टू नुपुर सर, आपको बहुत शुक्रिया, बहुत दिलवा दिया। और यहाँ के स्टाफ बहुत प्यारे, इसलिए नहीं कि स्पॉन्सर्ड है, मैं इसलिए तो भी बोल रहा हूँ क्योंकि हमने ये एहसास किया, बहुत सही लगा मुझे यहाँ आके। बहुत सारे कुछ नए नए ड्रेस दिए इन्होंने, कॉस्ट लगभग 1 लाख के ऊपर है। ये गरीबों के काम आएगा। मैम, आप कुछ बोलना चाहेंगे हमारे इस उपक्रम के बारे में? तो हम कुछ तो नहीं बोल सकते, लेकिन ये जो माल है ये हमारा बेस्ट ही रहता है, तो ये किसी के काम में आया तो बहुत ही अच्छा काम है। हमें लगा नहीं था कि इतना मिलेगा, जगह कम पड़ गई है। खैर अच्छा है, कुछ तो अच्छा होगा।
मुझे एक बात पता चली है, देने वाले लोग बहुत हैं, बस आपको जरिया बनना है, मदद करने वाले आपको खुद ब खुद बहुत हैं। हमारे साथ क्या है कि हम शुरुआत करना नहीं जानते, आप शुरुआत कीजिए, आपको मदद करने वाले बहुत से लोग हैं। हमें लगा नहीं था कि आष्टी से इतना ज़्यादा रिस्पांस मिलेगा, कुछ ज़्यादा ही भर भर के रिस्पांस मिला, गाड़ी में भी जगह नहीं है, इसको हम छत पे बैठा के लेके जाने वाले। हाँ वो टायर पे बताओ, टायर पे लेके जाएंगे बोलना। ओ मिया क्या सोच रहे हो? मैं सोच रहा हूँ मेरे को गाड़ी के अभी जाना कहाँ पे पड़ेगा, मिले तो पूरे गाड़ी फुल है, मैं तो सोच रहा हूँ मेरे को टायर पे लेके जाएंगे कहाँ पे, या तो डिक्की पे। पता चला कि अदर भैया ने लेके गए किधर, टायर पे, नहीं तो डिक्की के ऊपर में धूप काले में। कैसा फील कर रहे हो? अरे बहुत ब्लेस कर रहे हो, और पता नहीं था कि इतना अच्छा रिस्पांस आएगा, और मतलब कि हाँ कि अभी प्राउड फील हो रहा है कि यस अभी हम कुछ भी कर सकते हैं, हम कुछ भी कर सकते हैं, और आप भी तैयारी करो। वैसे एक्चुअली हमें क्या लगता है कि कोई सोशल वर्क जब अपन करते हैं तो हमें लगता है कोई अपने से खुद से अपन कितना कर सकते हैं, हमारी कोई मदद करेगा नहीं करेगा, इस तरह से 10 सवाल आते हैं। लेकिन जब आप शुरू करते हो ना तो आपके ही जैसे सोच रखने वाले लोग आपको बहुत मिलते हैं, बहुत सारे मिलते हैं। और ये मतलब मैं फील कर रहा हूँ, मतलब मुझे लगता था कि नहीं ये चीज़ें नहीं होंगी शायद, लेकिन रिस्पांस नेक्स्ट लेवल है, हम सोच नहीं सकते, लोग बहुत अच्छे हैं दुनिया में, बस आपको एक जरिया बनना है। पता है आपको सिर्फ ये करना है कि अगर से कोई काम आप शुरू कर रहे हो तो आपको बस उसके स्टार्ट कर देने हैं, कैसे भी करके आपको लोग मिलते जाएंगे, पहचान बढ़ती जाएगी, और चीज़ें इसी तरह से आगे बढ़ती जाती हैं। और वंदनीय महाराज भी कहते हैं, क्या बोलते हैं मुझे पता रहता था, तुम बताता हूँ देखो। वंदनीय राष्ट्र संत तुकडोजी महाराज भी कहते हैं, आजची सान सान बाल उद्याचे तरुण कार्यकर्ते बनतील, या देशाचा पांग फेडतील उत्तम उत्तम गुणाने। सो ऐसा आप भी कर सकते हो, और अपन यूथ है तो अपने में एनर्जी वो अच्छे जगह वेस्ट करिए, और गलत इसमें कभी मत करो, और अच्छे जगह पोटेंशियल बहुत ज्यादा होता है। अच्छा बोला रे, मुझे लगा नहीं था कि अभी से सीखना चालू है, मुझे लगा नहीं था कि ये भी इतना अच्छा बोलता है। हमारे भावी कार्यकर्ते अमर भैया चश्मा उश्मा लगा के, अरे वाह, थैंक यू सर, अरे थैंक यू। चलो आप उधर बैठो, अपन देखो रास्ते में चलते चलते नाश्ता भूख लग गई थी। मैं भी छोटा सा ढाबा है लेकिन टेस्ट एक नंबर, नाम मैं आपको नहीं बताने वाला हूँ, पर्सनली आके मिलना। नजर पचलने लगने को ना बाबा, नाश्ता हो गया अभी कारंजा के लिए निकलते हैं। नाश्ता सही में अच्छा हुआ, दुकान का नाम गाँव कौन सा है? सारवाड़ी। सारवाड़ी में बस स्टॉप के जस्ट अपोजिट में है मैं? और अच्छा है, मेरे असिस्टेंट ने कैमरा पकड़ा है, बहुत अच्छा काम कर रहा है तू। सोचा था इतना अच्छा रिस्पांस मिलेगा जी, लेकिन थैंक यू उन सभी भी लोगों का जिन्होंने बहुत मदद की। अभी हमारे बीच में काम ये छाटना है, और उसको फिर से एक जगह पे करके अच्छे से पैक करके मेरे घर के लिए भेजना है। रात के बजे है 12, और
अभी तक हम काम कर रहे हैं। ये बहुत सारे जमा हुए टाइम पे और भी आए, सबको कलेक्ट करने चाहते हैं। इतने सारे हो गए हैं, इनका पूरा नाम मोहम्मद अदरुद्दीन है, ठीक है, और इनको मैं अभी से नहीं जानता हूँ, ये हम अपनी स्टूडेंट है। मैं जब यहाँ पे मतलब मैं बहुत स्टार्टिंग में जब कारंजा में आया था, नया था यहाँ पे, तो हड्डी सेकंड बैच थी इन लोगों की, जब इन लोगों को मैंने बीएससी में पढ़ाया था, और ये पहले से बहुत ज़्यादा सोशल एक्टिविटीज़ में बहुत ज़्यादा इंक्लूडेड है, और ये जो संवेदना के थ्रू जो काम कर रहे हैं बहुत बढ़िया है। सध्या या संवेदनामध्ये आपला सहभाग नोंदवला, सरांनी सांगितलं तसं मला, मी जेव्हा दर्शनचं स्टेटस पाहिलं तेव्हा मला ते दिसलं की आपला त्याची एक संस्था आहे, एन जी ओ आहे, ती कलेक्शन करत आहे, आणि कारंजातर्फे आपला हा जो ग्रुप आहे त्याचा किंवा संवेदन हा त्याच्यात इन्वॉल्व झालेला आहे, तर तेव्हाच मी सरांना बोललो, सर म्हटलं आपण यांच्यासोबत जॉईन होऊ आणि हे जे करत आहे अजून मोठ्या प्रमाणात होऊ शकेल। बाहर हो रही है बारिश और हमारे कार्यकर्ताओं की हालत आप देख सकते हो, अंदर भी चालू है पैकिंग, रात के बजे है 12 और कहीं ना कहीं हमारे भी बजे है 12। ये पैकिंग का आज का लास्ट दिन है और हम आशा करते हैं कि सारी चीज़ें सही से हो गई है, कल इसे हमें अमरावती के लिए भेजना है। आमिने जो काम केलंय तुम्हाला त्याच्याबद्दल काय बोलायचं आहे? साहेब उठाओ, काहीतरी सांगा, दोन शब्द काय बाळा सांगा साहेब, काहीतरी तर सांगा। की आता येत आहे पाणी, भयंकर सर्वप्रथम वंदे मातरम फाउंडेशनचं आपलं सगळ्यात अगोदर धन्यवाद, कारण आपण आम्हाला संधी दिली आणि तसेच हा जो उपक्रम झाला इतका मोठ्या स्केलवर, आम्ही विचार नव्हता केला की इतका छान रिस्पॉन्स आम्हाला कारंजाकडून येणार, परंतु खरंच जे एक वेळा जर आपण सुरुवात केली तर लोक आपल्यासोबत जुळतात हे आम्हाला खरंच पाहायला मिळालं, आणि तसेच आपला श्री गुरुदेव साहेब मंडळाचा सुद्धा आभार धन्यवाद, कारण आणि तसेच आपला संवेदना युवा मंच यांचा सुद्धा धन्यवाद, कारण की आमची संपूर्ण टीम रात दिवस करून आपण त्यानंतर ही जे सेवा निस्वार्थ भावाने लोकांनी जो सपोर्ट केला असंच आम्हाला नक्की दरवर्षी लाभेल, आणि आपण सुद्धा आम्हाला अशीच संधी दरवर्षी देत राहाल त्यासाठी आम्ही सर्व मिळून आपला आभार मानतो, तसेच एक प्राऊड फिलिंग येत आहे
आणि खरंच खूप खूप धन्यवाद वंदे मातरम फाउंडेशन। अभी हम अमरावती के लिए निकल रहे हैं, उसके बाद में हम जाने वाले हैं मेरघाट। कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई है, मिलते हैं ना अगले वीडियो में। आखिर मेरघाट भी तो जाना है।